दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छठ पर्व को दिल्ली में मनाने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर बिहार वासियों में काफी निराशा देखने को मिल रहा है। वहीं इसको लेकर पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस गुटक की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका गया एवं जमकर नारेबाजी भी की गई। राष्ट्रीय लोक शक्ति जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार वासियों के लिए महापर्व छठ आस्था का प्रतीक है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोक लगा दी है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये सही है या केजरीवाल सरकार हिंदू विरोधी है या पाकिस्तान परस्त है या टुकड़ा टुकड़ा गैंग का नायक है या केजरीवाल, और इसने छठ पर्व पर यमुना किनारे प्रतिबंध लगा के पाप किया है बिहार वासियों पे और पूर्वांचल के लोगों को भी छठ करने से दिल्ली में रोका है। और इसकी सरकार ने डीडीएमए ने एक पत्र लिखा एल जी को, पत्र में कहा कि छठ पूजा यमुना किनारे मनाने से दिल्ली में मनाने से दुर्गा पूजा के विसर्जन में और गणेश चतुर्थी के विसर्जन में जो प्रदूषण फैलता है छठ होने से प्रदूषण फैलेगा, जबकि सच्चाई यह है कि छठ पूरी तरह प्रकृति के सानिध्य में मनाया जाता है। पूरे विश्व में छठ मनाया जाता है, लोक आस्था का पर्व है, बिहारी नहीं पूरे विश्व में रहने वाले बिहार के लोग इसको मनाते हैं, पूर्वांचल के लोग। तो केजरीवाल सरकार ने जो किया है छठ पर्व पे रोक लगा के, जो साजिश किया है बिहारियों को मारने की, बिहारियों की हत्या करने की, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और दिल्ली सरकार को अविलंब बर्खास्त करने की नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी काफी गंभीर है, वह देख रहे हैं और वह बिहारी अस्मिता और बिहारी सम्मान के गौरव है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी की सारा नजर नीतीश कुमार नीचे रखिए ना, मुंह घुमाइए ना, अरे मुंह घुमाइए इधर, चलिए और उधर जाइए, और उधर जाइए भाई, हेलो ये चलिए इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।